ये नाम तो आपने सुना ही होगा और ये भी सुना होगा कि ब्लॉग बनाकर घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। अगर आप एक बिगनर हैं और ब्लॉग बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, जिसमें अगर आपने 0 to 6 month फुल फोकस होके मेहनत कर लिया तो आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और 2 से 3 सालों के अंदर आप ब्लॉगिंग से इतना पैसा कमा सकते हैं जितना शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा फ्रॉम ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2021 में आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग या एक पैसे कमाने वाला ब्लॉग बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्लॉग बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है निश। और निश क्या होता है? निश होता है आपके ब्लॉग का टॉपिक। टॉपिक मींस आपका मेन टॉपिक। जैसे कि ये मेरा ब्लॉग है जिसमें मैंने, मेरा मेन टॉपिक है ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। मतलब आपको ब्लॉगिंग से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। अब देखिए, अगर आप ब्लॉग बनाएंगे तो आपको जानना है कि ब्लॉग क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ब्लॉगिंग निश क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, ब्लॉगर पर फ्री ब्लॉग कैसे बनाएं, वर्डप्रेस पर ब्लॉग कैसे बनाएं, निश कैसे चूज करें। तो ये होते हैं ब्लॉग के अंदर के सब टॉपिक। तो सबसे पहले ब्लॉग बनाने के लिए आपको क्या चूज करना होता है? ब्लॉगिंग निश। कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तब क्या होता था, तब ब्लॉगिंग में इतना कंपटीशन नहीं था। और आज क्या है, 2021 में अब बहुत कंपटीशन बन गया है। पहले एक सिर्फ एक मेन टॉपिक को ले लिया जाता था और उसमें हम मल्टीपल निश पे वर्क कर सकते थे और हम रैंक भी करते थे और हम पैसे भी कमाते थे। लेकिन अब इतना कंपटीशन हो गया है कि गूगल में रैंक करने के लिए आपको बहुत मेहनत लगती है। गूगल में आप किसी भी वर्ड को टाइप करिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया हाउ टू लूज वेट, तो आप देखेंगे कि नीचे आपको इतने सारे आर्टिकल्स की लिस्ट मिल जाएगी। दैट मीन्स हर एक कीवर्ड पे आपको आज कम से कम 20-25 हज़ार बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे ब्लॉग और वेबसाइट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो ऐसे में गूगल के फर्स्ट नंबर पर रैंक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब तक आप गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक नहीं करते या गूगल से अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपने वेबसाइट तक नहीं लाते, तब तक आपके लिए एक बहुत सफल ब्लॉगर या सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ब्लॉगिंग में सफल होने के लिए या 2021 में जब आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं और एक्चुअली ब्लॉग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक ऐसी निश चूज करना होगा जिसका कंपटीशन कम है, है ना, और जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, जिसे लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं, और सेकंड उसमें सीपीसी है। अगर सपोज आपने कुछ ऐसी निश या ऐसे टॉपिक पे ब्लॉग बनाया है जिसके बारे में लोग गूगल पे सर्च ही नहीं करते, और अगर सर्च करते हैं तो उसमें कुछ सीपीसी नहीं है। सीपीसी क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक, जो गूगल आपको ब्लॉग पर जब एड्स रन करती है तो उसका जो आपको पैसा मिलता है वो। अगर आपकी निश कोई वैल्यू की नहीं है तो आप उससे अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने ब्लॉग बनाने के लिए आपको एक निश सिलेक्ट करना है। और कैसी निश सिलेक्ट करना है? जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, जिसका कंपटीशन लो हो और जिसमें सीपीसी हो। इसके लिए आपको निश रिसर्च करना होता है। आप यहाँ पर आएंगे, ब्लॉग के लिए प्रॉफिटेबल निश कैसे चूज करें, तो यहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देती हूँ कि ब्लॉग को मोनेटाइज करने के लिए, मोनेटाइज क्या होता है, अपने ब्लॉग को से पैसे कमाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि गूगल एडसेंस, और भी एड नेटवर्क है गूगल एडसेंस के अलावा, जैसे गूगल एडसेंस है, इजोइक है, media.net है। आप एफिलेट मार्केटिंग से अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करा सकते हैं, आप ई बुक सेल कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। अगर आपने एक ब्लॉग बना लिया है तो ब्लॉग बनाने के बाद आप उससे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो आपको ऐसी निश चूज करनी है जिससे, जिसमें आपके वो कस्टमर्स आते हैं जो प्रॉफिटेबल हों, जो बाइंग इंटेंट के हों, जिनकी वैल्यू हो। तो आपको एक प्रॉफिटेबल निश सेलेक्ट करनी है। और इफ पॉसिबल, अगर आप जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप एक माइक्रो निश सेलेक्ट करिए, क्योंकि
अगर आपका ब्लॉग जितना ज्यादा माइक्रो निश होगा, आप ब्लॉगिंग में उतनी जल्दी सक्सेसफुल होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट होता है कि आपको अपने ब्लॉग के लिए निश सिलेक्शन करना है। निश के ऊपर आप आर्टिकल्स पढ़िए, और अगर आप चाहते हैं कि निश सिलेक्शन के ऊपर मैं एक स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। सेकंड बात आती है, अब ब्लॉगिंग बनाए किस पर, तो सेकंड स्टेप होता है कि आपको ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चूज करना। देखिए, ब्लॉग बनाने के लिए दो फेमस प्लेटफॉर्म है, एक है ब्लॉगर और एक है वर्डप्रेस। ब्लॉगर गूगल का दिया हुआ एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां फ्री में ब्लॉग बना सकते हैं, और वर्डप्रेस भी फ्री है, लेकिन यहां आपको होस्टिंग और होस्टिंग चूज करनी पड़ती है। तो अगर आप मेरी बात माने और अगर आप एक जल्दी ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ब्लॉगिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है ना, तो आप ब्लॉगर में ना जाके अब वर्डप्रेस पे बनाइए। देखिए, वर्डप्रेस में आपको सिर्फ होस्टिंग लेने की जरूरत है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर होस्टिंग आप उस लिंक से परचेज करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेंगे, साथ ही आपको एक फ्री डोमेन मिलेगा। होस्टिंग वो होती है जहाँ पे आप अपने ब्लॉग को सेव करते हैं। देखिए, ये जो ब्लॉग है इसमें मैंने बहुत सारा कंटेंट पब्लिश किया हुआ है, इसमें मैंने इमेजेस लगाई हुई है, इसमें कुछ मैंने वीडियोस भी लगाई है। तो ये जो डेटा होता है, ये डेटा सेव कहाँ होता है? अगर मैं मेरे इस कंप्यूटर को ऑफ कर दूँ, तब भी अगर आप अपने मोबाइल या डेस्कटॉप पे ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी डालेंगे तो भी आपकी ये वेबसाइट आपके मोबाइल पर ओपन होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो वेबसाइट है मैंने मेरे होस्टिंग सर्वर पर होस्ट की हुई है। तो अगर आप वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाते हैं तो आपको एक होस्टिंग परचेस करने की जरूरत होती है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा वर्डप्रेस ब्लॉग के लिए होस्टिंग कौन सी खरीदे, यहाँ पर मैंने डिटेल में बताई हुई है होस्टिंग के बारे में। क्योंकि अगर आप एक गलत होस्टिंग परचेस कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे टेक्निकल एरर आ सकते हैं और आपकी वेबसाइट काफी डाउन टाइम में रह सकती है। तो ब्लॉग के लिए एक अच्छी होस्टिंग खरीदना आपका सबसे फर्स्ट एंड प्रायोरिटी का वर्क होता है। तो आपको एक अच्छी होस्टिंग खरीदनी है। अच्छी होस्टिंग खरीदने के बाद आप उससे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाना है, आप वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाए पे जाएंगे ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। यहाँ मैं आपको बेसिक गाइडलाइन बता रही हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ लोग फ्री होस्टिंग या चीप होस्टिंग लेते हैं, साल भर उस पर मेहनत करते हैं, उनकी वेबसाइट हैकर अटैक्स के कारण, बॉट अटैक्स के कारण, टेक्निकल इश्यूज के कारण, डाउन टाइम होने के कारण वो अपने ब्लॉगिंग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ, आपको मानना है या ना मानना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि साल भर बर्बाद होने के बाद फिर लोगों को समझ आती है कि उन्होंने क्या मिस्टेक की है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दे रही हूँ कि 0 to 6 months का जो मैंने एक टाइम पीरियड में आपको एक सक्सेसफुल ब्लॉग बनाने की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रही हूँ, उसमें सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक सही होस्टिंग को चूज करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसका रिव्यू भी पढ़ सकते हैं और वहाँ जाके परचेज भी कर सकते हैं। मैं आपको वही प्रोडक्ट्स के बारे में सजेस्ट करूँगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और मुझे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ आपको प्रॉब्लम जाएगी, आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे कभी भी बता सकते हैं। तो आपको एक अच्छी होस्टिंग परचेज करनी है जिससे आपको ब्लॉगिंग बिजनेस में कभी भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं जाएगी, वो आपके ब्लॉगिंग बिजनेस का बेस है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको होस्टिंग में ही एक ऑप्शन होता है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का। तो यहाँ पर मैंने बताया है, आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, इस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि वन क्लिक में वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, फिर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके उसकी कैसे सेटिंग करना है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हुई हैं और इसकी कुछ वीडियोस भी आ जाएंगी, तो उन वीडियोस में भी आप देख के कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, जब एक बार आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है तो आपको फिर क्या करना है, आपको अपने ब्लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस को बनाना है, जैसे कि होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन पेजेस को बनाना है। इसके बाद आपको आर्टिकल्स लिखना है। एक्चुअली ब्लॉगिंग जो है वो है कंटेंट पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा कंटेंट आप अपने ब्लॉग में पब्लिश करेंगे उतनी ज़्यादा
आप लोगों को अपने ब्लॉग के लिए अट्रैक्ट कर पाएंगे, और जितने ज्यादा लोग आपके ब्लॉग में आएंगे उतनी ज्यादा अर्निंग आपकी होगी। एक्चुअली ब्लॉगिंग की अर्निंग जो है वो आपके ट्रैफिक से ही होती है। कितना क्वालिटी ट्रैफिक और कैसा ट्रैफिक आप अपने वेबसाइट पे लाते हैं। ट्रैफिक का मतलब ऑडियंस। देखिए सिंपल सी बात है, जहां कस्टमर होते हैं वहां सेल्स होती है, बिजनेस होता है, प्रमोशन होता है। अब ऑनलाइन कस्टमर कहाँ आते हैं? आप गूगल पे किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को ही देखने के लिए सर्च करते हैं। गूगल पे आप क्यों सर्च करते हैं? आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप गूगल पे सर्च करके अपने आंसर को ढूंढते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर को ढूंढते हैं, उस क्वेरी से सेटिस्फाइड होते हैं। तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो किसी ना किसी ब्लॉग से मिलती है। तो आपको देखना है, जब आप अपना निश सिलेक्शन करेंगे तब आपको देखना है कि लोग, सॉरी, जब आप निश सिलेक्शन, तो ठीक है, निश सिलेक्शन के बाद जब आप अपने ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे और ब्लॉग पोस्ट के लिए भी आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, तो उस कीवर्ड रिसर्च में आपको देखना है कि किस कीवर्ड पे लोग ज्यादा से ज्यादा सर्चेस कर रहे हैं और उस कीवर्ड पे आपको सीपीसी कितना मिल रहा है। तो हर एक आर्टिकल आपको कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ही करना है। तो जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, आप एक आर्टिकल लिखेंगे, जैसे कि कंटेंट क्या होता है, कंटेंट मीनिंग इन इंडिया, ये जो आर्टिकल है इसके मंथली सर्चेस अराउंड 40,000 है। तो 40, मैंने उसमें देखा है कि 40,000 लोग इस आर्टिकल को इंटरनेट पे ढूंढते हैं, इसलिए मैंने ये आर्टिकल लिखा है कि कंटेंट मीनिंग इन हिंदी। अगर ये आर्टिकल मेरा गूगल के फर्स्ट नंबर पे रैंक होता है ना, तो मुझे गूगल से कितना, 40,000 तो नहीं, पर अप्रोक्स मुझे 50-60% ट्रैफिक मुझे गूगल से डायरेक्ट मेरे ब्लॉग पर आएगा। तो आपको जो भी आर्टिकल लिखना है उसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च करके अपने ब्लॉग पर आपको आर्टिकल पब्लिश करने हैं। इसके बाद बात आती है कि जब आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो गूगल तो एक सर्च इंजन है, एक मशीन है, वो कैसे समझेगा कि आपके आर्टिकल जो आपने पब्लिश किया है और जो इंफॉर्मेशन आपने उसमें दी है वो सही है, रिलेवेंट है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ऑन पेज एसईओ करना होता है। तो जब भी आप अपने ब्लॉग का आर्टिकल लिखें आप साथ ही साथ ऑन पेज एसईओ करें। बहुत सारे न्यू ब्लॉगर ये गलती करते हैं कि जब भी वो ब्लॉग बनाते हैं वो गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए या सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाते हैं। आपको 0 to 6 months पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना है। आप 110% अपने ब्लॉग से पैसा कमाएंगे, लेकिन पैसे कमाने के लिए आप वर्क करें इससे आप नहीं कमा पाएंगे। आपको काम करना है क्वालिटी पे। आपको सोचना है कि आप अपने ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक कैसे लाएं, गूगल में रैंकिंग कैसे बढ़ाएं, अपने ब्लॉग की सेटिंग कैसे अच्छी करें, डिज़ाइनिंग कैसे अच्छे करें। जब भी आप अपना ब्लॉग बनाएंगे तो आपको अपनी ब्लॉग की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से करनी है, जिससे कोई भी यूज़र जब आपके वेबसाइट में आएगा तो उसे नीट एंड क्लीन सारा कंटेंट नेविगेट करने में किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आपने बहुत सारे ऐसी वेबसाइट देखी होंगी जिसमें बहुत सारे कलर मिसमैच रहते हैं, बहुत आपको नेविगेट करने में, मतलब किसी भी आर्टिकल को क्लिक करने, किसी आर्टिकल पर जाने के लिए आपको बहुत डिफिकल्टी जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिंपल डिज़ाइनिंग रखनी है, सिंपल वे में क्रॉल कर सके लोग, उसे देख सके लोग कि किस आर्टिकल के बाद क्या है, प्रॉपर फुटर, हेडर, साइड बार बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने ब्लॉग डिज़ाइनिंग में करनी है। आर्टिकल आपको कीवर्ड रिसर्च के करने के साथ साथ, पहला आर्टिकल जब आप अपने ब्लॉग का पहला आर्टिकल लिखे ना, तब भी आपको क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करना है और उसे बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। आर्टिकल कैसे लिखना है, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखना है, यूनिक आर्टिकल कैसे लिखना है, ये सारे पोस्ट आपको यहाँ पर गाइडेंस के लिए मिल जाएंगी। आप यहाँ पर आके सर्च कर लेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो आर्टिकल क्वालिटी कंटेंट आपको पब्लिश करना है। फिर क्या करना है, आपको अपने ब्लॉग के लिए सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना है। देखिए ब्लॉग आप बना लेंगे लेकिन लोगों तक पहुंचाना भी आपका ही काम है। अगर आप अपना ब्लॉग बनाते हैं, उसमें बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करते हैं, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट पब्लिश करते हैं, तो भी कुछ वक्त लगता है गूगल में उसे रैंक होने के लिए। तो आपको क्या करना है, अपने ब्लॉग को सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है। आपको फेसबुक अकाउंट बनाना है, इंस्टाग्राम बनाना है, इफ़ पॉसिबल यूट्यूब चैनल बनाना है, ट्विटर बनाना है, क्वेरा में फॉरम्स बनाना है, शब्दनागरी में फॉरम्स बनाने हैं, ऐसे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है। वहाँ जाकर आपको अपने ब्लॉगिंग ब्रांड, ब्लॉगिंग का जो भी आपका निश है
जो भी ब्लॉग का नाम है उससे ही रिलेटेड या अपने नाम से रिलेटेड आपको अकाउंट बनाने हैं। वहां पर अपने निश के अकॉर्डिंग ग्रुप्स को, पेजेस को लाइक करना है, ज्वाइन करना है और वहां पर रेगुलर एक्टिव रहना है, लोगों के सवालों का जवाब देना है, अपने कंटेंट पब्लिश करना है, लोगों से क्वेश्चन पूछना है। उससे क्या होगा, उससे आपकी ब्रांडिंग होगी, लोग आपके बारे में जानेंगे। वहां जाकर आप अपने ब्लॉग का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि मैंने इस टाइप का ब्लॉग बनाया है, आप इस ब्लॉग पर आइए और हमारे ब्लॉग पर विजिट करिए। तो इससे क्या होगा, इसकी आपकी ऑनलाइन ऑडियंस बनेगी। जितनी ज़्यादा आपकी ऑडियंस बनेगी उतनी ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। ब्लॉग को मोनेटाइज कराने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप ब्लॉग से पैसे कैसे कमाएंगे। ब्लॉग से तो आप पैसे कमा ही लेंगे, लेकिन ब्लॉग से पैसे कमाने के लिए आपको चाहिए ऑनलाइन ऑडियंस, आपकी कस्टमर। तो आपको क्या करना है, अपने ऑनलाइन ऑडियंस बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्लॉग पर आना चाहिए, इसलिए आपको सोशल मीडिया पे भी जाना है। जब सोशल मीडिया से लोग आए तो आपकी ब्लॉग की डिज़ाइन अच्छी दिखनी चाहिए, जिस भी कंटेंट पे आप उनको लेके आ रहे हैं वो कंटेंट से उनको सेटिस्फाइड होना चाहिए, वो कंटेंट पढ़ के उनकी क्वेरी जो है वो सॉल्व होनी चाहिए और इतना अच्छा कंटेंट होना चाहिए कि वो लोगों के साथ शेयर करें, उनको कुछ वैल्यू मिले, उनके लिए वो यूज़फुल हो। तो ऐसा कंटेंट आपको पब्लिश करना है। इसके बाद क्या करना है कि इंटरनेट पे जिस भी निश पे आप काम करेंगे उस निश से रिलेटेड और भी ऐसे लोग होंगे जो उस ब्लॉग से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, तो आपको क्या करना है कि अपनी ही कम्युनिटी के लोगों के साथ जुड़ना है। जैसे कि मैं ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी, ये मेरा ब्लॉग है, अगर आप इंटरनेट पे डालेंगे कि ब्लॉग क्या है या व्हाट इज़ ब्लॉग, तो आपको और भी बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। तो वो जो वेबसाइट ऑनर है वो क्या होंगे, वो मेरी कम्युनिटी होगी, मुझे उन लोगों के साथ ज्वाइन करना। उन्हें कॉम्पिटिटर मत समझिए, उन्हें एक टीम मेंबर समझिए। उन लोगों के साथ आप जुड़िए, उनसे कम्युनिकेट करिए, उनसे बातें करिए, क्योंकि जब आप ऑफ पेज एसईओ करते हैं ना तो तब आपको अपने कम्युनिटी के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है कि जब आप अपने आपके ब्लॉग की लिंक आपको दूसरी के वेबसाइट से लेनी होती है, जैसे कि अगर कोई ब्लॉगर है जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करता है, उसकी ब्लॉग की लिंक मैं यहाँ अपने किसी आर्टिकल में पब्लिश कर दूँ कि इससे रिलेटेड जानकारी के लिए आप इस ब्लॉग पर जाइए, तो ये क्या होता है, ये बैकलिंक्स होती हैं, ये ऑफ पेज एसईओ का काम होता है, जिससे गूगल ये समझता है कि ये वेबसाइट अगर इस वेबसाइट को रिफ़र कर रही है दैट मींस इस वेबसाइट में क्वालिटी है और फिर इससे हमारी रैंकिंग बढ़ती है। तो आपको अपने कम्युनिटी के लोगों से ज्वाइन करना है। इसके बाद आपको अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करना है। जब आपका ब्लॉग बन जाए, ब्लॉग की डिज़ाइनिंग हो जाए, ऑन पेज ऑफ पेज, ऑन पेज एसईओ आप कर लीजिए, ऑफ पेज आप कुछ टाइम बाद भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग फेज में इतना ज़रूरी नहीं है। धीरे धीरे आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑफ पेज एसईओ, सोशल मीडिया में प्रमोशन भी धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपना जब आपका ब्लॉग बन जाए उसमें कुछ 20-30 आर्टिकल आपके पब्लिश हो जाए, आपकी ब्लॉग डिज़ाइनिंग अच्छी हो जाए, थोड़ा बहुत आप अथॉरिटी बढ़ा लीजिए, उसके बाद आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कराइए। देखिए ब्लॉग को आप किसी भी चैनल से मोनेटाइज कर सकते हैं, जैसे कि गूगल एडसेंस हो गया, जैसे गूगल एडसेंस से आप मोनेटाइज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि गूगल एडसेंस की एड्स आपके ब्लॉग में दिखेंगी, है ना, तो उससे आपकी अर्निंग होगी। आप इजॉइक भी एक अच्छा एडसेंस एड नेटवर्क है, आप उससे मोनेटाइज कर सकते हैं। कुछ अपने निश से रिलेटेड आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस यहाँ पर आप देखेंगे ना ब्लॉग से पैसे कैसे कमाए ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी, तो आपको वो सारे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ जहाँ से आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो आप ब्लॉग को मोनेटाइज कराइए, ब्लॉग पर ट्रैफिक लाइए और ब्लॉग से पैसा कमाइए, और फिर धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप अपना मेल आईडी डाल के सब्सक्राइब करिए तो ब्लॉगिंग से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेल्स में आ जाएंगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके बता सकते हैं आपके